Hi everyone, welcome to the Real Public School at Home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I am going to discuss about geometrical shape of this lesson 9, day 67. Today, now I am going to discuss about topic of drawing plane shape on a dot paper. Drawing on a dot paper. Drawing plane shape on a dot paper. देखो पहले dot paper क्या है? A paper which has dots. Spaced. At equal distance is called a dot paper. A paper which has dots spaced at equal distance is called a dot paper. पर एक dot paper बनाते हैं और उसके बाद उसका shape बनाना शुरू करते हैं। देखो dot paper जब भी बनाओ, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, equal space देखो इस दोनों के बीच क्या होना चाहिए? Equal space होना चाहिए, यानी जगह होना चाहिए, ठीक है? छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इधर उधर भी होगा तो धीरे धीरे मैनेज करते हैं, लेकिन देखो वास्तविकता ये है बाबू कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए डॉट पेपर बना रहे हो तो, ठीक है ना? ये आपका डॉट पेपर बन रहा है, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? शेप बनाएंगे प्लेन शेप।
रणनीति ने, चलो देखो मैं अब इस पे से बनाता हूँ प्लेन से। जैसे मान लो कि हम लोग को अगर स्क्वायर बनाना है, क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर बनाना है, अगर मान लो कि इधर से अगर तुम फोर लेते हो ये, तो ये भी यहां से फोर डॉट लोगे, ठीक है, फिर यहां से भी फोर डॉट लोगे, फिर यहां से भी फोर डॉट लोगे, दिस इज द स्क्वायर। रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ जो होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर फाइव लेंथ लेते हो, पांच पॉइंट्स, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पॉइंट्स लिया, इधर सपोज करो कि थ्री पॉइंट्स लेते हो, ठीक है, तो इधर भी मैं थ्री पॉइंट्स ले जाऊंगे क्योंकि ब्रेथ जो होता है इक्वल होता है, थ्री थ्री, और ये लेंथ कितने लिए थे, फाइव पॉइंट्स, तो काउंट करो, वन ये हो जाएगा टू थ्री फोर फाइव, ये आपके फाइव पॉइंट्स हो गए, रेक्टेंगल बन गया। ट्रायंगल बनाने के लिए कोई ये नहीं है, आप मान लो ट्रायंगल बनाना है तो ये ऐसे ले लो, फिर बेस से ऐसे ले लो, ठीक है, मान लो एक और ट्रायंगल बना देते हैं, नहीं हो पाएगा उधर क्योंकि स्पेस नहीं होना है उधर, इधर ट्राई करता हूँ, हमको इससे मिलाना है ऐसे, ठीक है, थ्री फिर वन टू थ्री, टू थ्री फोर, एक तो यहाँ पे नहीं है, फिर करो वन टू उस पे जाएगा, थोड़ा सा स्पेसिंग सही से अरेंजमेंट नहीं हो रहा आपको, ठीक है ना, चैनल का ये उधर जा रहा है, ये देख रहे हो ना ऐसे। तो ऐसे ही डॉट पेपर पे हम लोग क्या करते हैं, फिगर को बनाते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर बनाया है ना, रेक्टेंगल यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, समझ। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे थ्री डायमेंशनल शेप, अगला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा थ्री डायमेंशंस। इसमें वो देखेंगे सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में, थ्री डायमेंशनल शेप क्या होता है, थ्री डी का मतलब समझो, थ्री डी, थ्री का मतलब जानती हूं तीन, और डी का मतलब हो जाएगा आपका डायमेंशन, सब नन, ये इसका हो जाएगा हिंदी तेल, एक दो तीन, और इसका विमान हो जाता है, विमान है, बी वी म आकार, वैसी फिगर जिसमें लेंथ और ऐसे लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई ब्रेथ, या इसको विड्थ भी बोलते हैं, इसकी चौड़ाई जिसमें ये लेंथ और ब्रेथ हो उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, टू डी, यानी टू डायमेंशन, दो विमान बना, लेकिन थ्री डी जो होता है उसमें एक और ऐड हो जाता है जो हो जाता है हाइट, हाइट बोलो या डेप्थ बोलो उसके गहराई, तो ये हो जाएंगे हाइट ऊंचाई, या आप गहराई भी बोल सकते हो, मान लो कोई वेल अगर डेप्थ है तो नीचे से देखोगे तो पता चल कितना ऊंचा वेल है, डेप्थ है तो गहरा है तो, ठीक है, तो थ्री डी में बाबू क्या हो जाता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट।
हाई, और ये जो है अपने इसको फिगर, इसको हम सॉलिड फिगर बोलते हैं, 3D वाले फिगर, जैसे 3D पिक्चर सॉरी फिगर में बनाता हूँ, जैसे ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और इसी से मैं क्या बना देता हूँ, कोबाइड 3D घना, देखो ये 3D फिगर हो गया। तो ये जो होंगे हमारे लेंथ होंगे इसमें L जिसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो होगा हमारा विड्थ होगा यानी चौड़ा होगा जिसको हम ब्रेथ बोलेंगे भी, और ये जो होगा यहां से यहां तक जो होगा ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी यानी H, समझ लो ऊंचाई H यानी हाइट, समझ में आ गया। तो यहां पे कितने डायमेंशन हो गए बाबू, तीन, लेंथ ब्रेथ और हाइट ऊंचाई, क्लियर। अब इसी बारे में इसको सॉलिड फिगर बोलते हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं इसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो सॉलिड्स आर 3 डायमेंशन से सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होते हैं जिसको हम लोग वी कैन सी एंड फिल, वी कैन सी एंड फिल द आउटर लेयर, द आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ दिस शेप, आउटर लेयर ऑफ दिस शेप्स, क्या होते हैं वो सॉलिड्स आर 3 डायमेंशनल शेप्स, सॉलिड जो होते हैं वो त्रिविमीय शेप होते हैं, वी कैन सी एंड फील द आउटर लेयर ऑफ दिस शेप, हम इसके बाहरी सतह को, लेयर को क्या हो सकता है, इसके बाहरी सतह को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये अगर मोटा, जैसे एक फिगर में बता दूं, मोबाइल दिखा दूं, मोबाइल में रखता हूं, देखो देखिए ये मोबाइल का डब्बा है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझो, ये जो होगा ये वाला पार्ट, इसका ये वाला जो होगा यहां से यहां तक इसकी क्या होगी, लंबाई होगी, समझ रहे हो ना, और यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई होगी, ये वाला इसका चौड़ाई होगा, ये आपका क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक लंबाई होगा और ये वाला इसका चौड़ाई होगा, और ये जो है ये मोटाई जो है इसकी यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। 3 डायमेंशन है, दिस इज द सॉलिड फिगर, ये सॉलिड फिगर है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि क्या इसको हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल तीनों देख सकते हैं, ये है आपका लंबाई और इधर ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई, इसकी जो मोटाई है ऊंचाई हो जाएगी, तो इस तीनों को हम लोग देख सकते हैं। तो यही बोला है कि सॉलिड फिगर्स जो होते हैं उसके सतहों को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसे बच्चों देख भी सकते हैं, समझ में आया। इसके आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, देखेंगे क्या सरफेस क्या होते हैं, सरफेसेस वी कैन सी, 1 मिनट बाबू वेट, देखो सरफेसेस क्या होंगे हमारे, सरफेसेस के बारे में देखेंगे। ऊपर का जो सतह होता है वो होता है, ठीक है, फिगर्स को मैं बोलना का डब्बा भी आपको मैं दिखा दूंगा, पर इसके बारे में डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगा, द आउटर लेयर ऑफ दिस शेप, आउटर लेयर ऑफ द
intercepts are called surfaces. जो आउटर लेयर का सतह होता है बाहरी, वही हमारा सरफेस कहलाता है, ठीक है? अगला है सरफेस जो होते हैं वो टू टाइप्स हो सकते हैं, यहां तक ओके कर दो. सरफेसेस जो होंगे हमारे वो दो होंगे, ठीक है? एक दो, इसको हम तो बोलते हैं प्लेन सरफेस. एक को प्लेन सरफेस बोलते हैं और एक को कर्व्ड सरफेस बोलते हैं. जो कर्व्ड सरफेस होगा यानी टेढ़ा मेढ़ा होगा सरफेस, सतह जो होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो कर्व्ड सरफेस कहलाएगा. और जो बिल्कुल सीधा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेन सरफेस कहलाएगा. तो हम लोग देखेंगे प्लेन सरफेस. Plane surface. Some solids such as a book or a dice have a plane surface. देखो, some solids such as book, जैसे किताब होते हैं, ठीक है, ये book हो गया, या dice लूडो छक्का जो होते हैं, देखो, इसके जो surface है, ये surface कहलाता है, ये जो ये क्या कहलाता है, surface कहलाता है, ये भी हमारा surface कहलाता है, तो ये कैसा हो? बिल्कुल plane है, लेकिन इसको हम ऐसे कर दूँ अब कैसा हो गया सरफेस? तो ऐसे हो गया, कर्व हो गया, कर्व हो गया ना, तो ये कर्व सरफेस. लेकिन वो जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है, ये हमारा कौन सा सतह है? बिल्कुल प्लेन सतह है, ठीक है ना? और कर्व सरफेस की बात किया जाए तो कर्व सरफेस जो टेढ़ा मेढ़ा हो some solids such as जैसे हो जाएगा आपका ग्लोब हो जाएगा, जो पृथ्वी का होता है ना सेप, ग्लोब हो जाएगा या आपका बॉल हो जाएगा, गेंद, ठीक है, हाँ हाँ कर्व सरफेस. ये हो जाएंगे हमारे कर्व सरफेस. अब दोनों के बारे में मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू बता देता हूं. जैसे मान लो एक बुक का मैं फिगर बनाता हूं, किताब का, सपोज करिए एक बुक, तो ये सामने और ये ऊपर वाला जो होगा ये होगा हमारा प्लेन सरफेस, ठीक है? और एक फिगर ये देखो, ये आपका हो जाएगा कोन का, ठीक है? तो ये जो होगा आपका कर्व सरफेस का. या वॉल बना लो, गेंद बना लो, तो गेंद का भी जो सरफेस होगा वो कैसा होगा बाबू? कर्व सरफेस होगा. जैसे मान लो ये हो जाएगा आपका बॉल, ठीक है? तो ये जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस कौन सा सरफेस कहलाएगा? कर्व्ड सरफेस, यानी टेढ़ा मेढ़ा.
ठीक है, लेकिन हमारे बुक हो जाएंगे, ठीक है, या जैसे आपका क्या बोलते हैं डस्टर होता है, डस्टर का भी होता है जो प्लेन सरफेस होता है, ओके ना। तो अगला हम लोग देखेंगे फेस। फेस क्या होता है, जिसे प्रोडक्ट द सरफेस, द सरफेस ऑफ ए सॉलिड, ऑफ ए सॉलिड SOLID सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। इट मे बी प्लेन ऑन कर्व, इट मे बी प्लेन और कर्व। देखो सरफेस जो होता है सॉलिड का, जैसे मान लीजिए यही ना सरफेस होता है, यही इसका फेस कहलाएगा, ठीक है, ये भी इसका सरफेस फेस कहलाएगा, ये भी फेस कहलाएगा। तो कर्व जो होते हैं वो जो फेस जो होते हैं, सरफेस जो होता है, सतह जो होता है, वही उसका फेस कहलाता है। वैसे वो फेस क्या हो सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं या कर्व हो सकते हैं। देखते हो ना सरफेस क्या होता है, सरफेस टू डेप्थ होते हैं, प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। तो फेस भी क्या होता है, प्लेन से प्लेन फेस और कर्व फेस, ठीक है। नेक्स्ट एज, एज के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूं, एज और वॉर्टेक्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया हूं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो मिलेंगे वो मिलेंगे अगले प्लेन एंड कर्व सरफेस के बारे में और फेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें कितने फेस होते हैं, ठीक है, और कितने सतह होते हैं, ठीक है ना। ये अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, या वॉर्टेक्स भी देखेंगे कितने होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।